Good morning friends, my name is Dinesh and welcome to my channel Dinesh Kaushik Tutorials. Now, we are about to learn noun. Noun के बारे में हम सारी चीजें जानेंगे और किस तरीके से एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर आते हैं. Noun की डेफिनेशन, what is the definition of noun? बहुत सारे बुक्स के अंदर इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है noun is a name of any person, place or thing. यानी noun किसी भी person, place और किसी भी चीज का नाम होता है. तो इसमें हमने एक चीज को देखना है, इस दुनिया में ना तो कोई ऐसा पर्सन है, ना कोई ऐसा प्लेस है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो. इसलिए इसको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है. इसलिए द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये एक इसकी डेफिनेशन है. यानी दुनिया में किसी भी चीज का नाम नाउन होता है. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. अब हमें देखना है नाउन कितने टाइप्स के होते हैं. नाउन टू टाइप्स के होते हैं. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, काउंटेबल नाउन. और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. अनकाउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल जो गिने जाने वाले हैं और अनकाउंटेबल जो गिने नहीं जा सकते हैं. और जो गिने जाने वाले हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव. कलेक्टिव. और जो गिने नहीं जा सकते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट. अब इनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में जान लेते हैं और इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं. तो प्रॉपर नाउन होता है, एवरी ब्रांड नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. यानी जो भी ब्रांड नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि वो ब्रांड नेम किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं होगा. प्रॉपर नाउन जस्ट एलजी, एलजी एक ब्रांड नेम है क्योंकि ये वोल्टास के लिए यूज नहीं हो सकता. एडिडास एक ब्रांड नेम है जो कि वो नाइक के लिए यूज नहीं हो सकता. पार्कर एक ब्रांड पेन का नाम है जो दूसरे पेन्स के लिए यूज नहीं हो सकता. तो ये जितने भी ब्रांड नेम हैं वो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं. और किसी भी आदमी का नाम भी एक प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन. जेनरिक नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. एक जेनरिक नेम होता है यानी वो कॉमन होता है. जैसे एसी, अगर किसी भी कंपनी का है उसको हम एसी ही बोलेंगे, वो कॉमन नाउन है. शूज, किसी भी कंपनी का है उसको हम शूज बोलेंगे, एक कॉमन नाउन है. फैन किसी भी कंपनी का है उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे. चेयर एक कॉमन नाउन है. मेज एक कॉमन नाउन है. गर्ल एक कॉमन नाउन है. बॉय एक कॉमन नाउन है. ऑलमोस्ट. तो कलेक्टिव नाउन आप हमें देखना है. नेम इज गिवन टू द कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. यानी एक कलेक्शन को जो नाम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. इफ 50 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम देन वी कैन से क्लास इज गोइंग ऑन. तो 50 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास नाम दे सकते हैं. और टीम के अंदर 12 प्लेयर होते हैं लेकिन 12 प्लेयर के ग्रुप को हम एक एक्स्ट्रा में होता है तो उसको हम टीम का नाम देते हैं. जैसे आर्मी, 13 लाख सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के अंदर और सभी के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं. एक परिवार के अंदर कितने भी आर्मी हैं उसको हम फैमिली बोलते हैं. ज्यूरी के अंदर 2, 3, 4, 5 जज होते हैं तो ज्यूरी बोलते हैं, कमेटी है. तो ऑलमोस्ट ये नाउन जो नेम इज गिवन टू द कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मेटेरियल नाउन. मेटेरियल नाउन क्या होता है, इस दुनिया में जो चीज जिससे बनी है वो मटेरियल होता है. मेरे हाथ में मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन है. मेरे पास लेक्चर स्टैंड है तो लेक्चर स्टैंड एक कॉमन नाउन है लेकिन बना किससे है, वुड से. तो वुड एक मटेरियल नाउन है. हम सभी शूज डालते हैं तो शूज किससे बने होते हैं.
रेक्सन से या लेदर से, और रेक्सन और लेदर दोनों ही मटेरियल हैं, तो ऑलमोस्ट जो चीज जिससे बनी है वो मटेरियल होता है, और जितने भी लिक्विड चीजें हैं ऑलमोस्ट वो मटेरियल नाउन में ही शामिल होती है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ लेना है, ऑल द फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बट वी कैन फील देम, उनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई फैमिली मेम्बर्स, अफेक्शन यानी स्नेह, अगर उसकी हम बात करते हैं तो ना तो स्नेह को देख सकते हैं हम और ना ही छू सकते हैं, बट उसको हम महसूस कर सकते हैं। इफ आई से आई हैव पेन इन माई हेड, मेरे सर में दर्द है, तो उस पेन को ना तो मैं देख सकता हूँ और ना ही छू सकता हूँ, बट आई कैन फील इट, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। ही इज माई एनिमी, तो एनिमिटी जो होती है शत्रुता, उसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट उसको हम महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि उसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट हमने वो महसूस जरूर किया है। तो ये ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग और इमोशंस को बोलते हैं। जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लव, कैनॉट सी कैनॉट टच बट वी कैन फील इट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब एग्जाम में किस तरीके से आएगा, मेन मुद्दा हमारा वो जानने का होता है। एग्जाम के अंदर बहुत सारे नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता नहीं होता है कि दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट देम, और उनके साथ इस टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन बी मेड बाय एग्जामिनर टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। कैसे मिस्टेक्स बनाई जा सकती हैं वो ऑलमोस्ट हमें जानना है। तो अब मैं जो आपको नाउन लिखवाऊंगा वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, और वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उनको काउंट नहीं कर सकते, तो उनकी कुछ फंक्शनल अप्रोच भी होती है, तो उसी फंक्शनल अप्रोच को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वही फंक्शनल अप्रोच से रिलेटेड आपके एरर्स एग्जाम में आते हैं। अब हम ये जो नाउन है ये सारे अनकाउंटेबल होंगे और इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क, एयर, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बावजूद वकेशन, वकेशन के बावजूद फर्नीचर, फर्नीचर, ऐसे ऐसे काफी कॉमन नाउन होते हैं हमारे पास। कॉमन मतलब जो ज्यादातर यूज होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, इन फर्नीचर, एब्यूज, एडवाइस, इनिंग्स, न्यूज, ब्रेड, सॉप, मशीनरी, ये काफी यूज होता है इसमें, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और मिस्चीफ, ये ज्यादातर यूज होते हैं, और इनकी फंक्शनल अप्रोच को भी जानेंगे। उसके बाद जो कुछ गेम के नाम भी होते हैं, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, तो वो नेम ऑफ द डिजीज अलग से इसको बना लेना है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स के अंदर इनमें वो मिक्स कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप एक अलग से उनको लिखेंगे तो ऑलमोस्ट उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आता है नेम of the disease, उसमें आता है mumps, rickets, measles, rabies और shingles. ये कुछ हमारी बीमारियों के, जैसे बीमारियों के नाम है,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज और इनके साथ किस तरह की फंक्शनल अप्रोच होगी, या ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा। और कुछ गेम के नाम भी होते हैं, नेम ऑफ द गेम्स, नेम ऑफ द गेम्स में कुछ है लाइक बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जिमनास्टिक्स, जिमनास्टिक्स के बावजूद एथलेटिक्स, एथलेटिक्स ड्राफ्ट्स, डर्ट्स, बाउल्स, डोमिनोज, डोमिनोज। अब इसमें ऑलमोस्ट हमने देखना है बिलियर्ड्स, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, ये तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, ये कॉमन होते हैं बट ये अनकाउंटेबल हैं, इसलिए ये सिमिलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। लेकिन इनके बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम नॉलेज होता है। डॉट्स, डर्ट्स और बाउल्स, दीज आर द नेम ऑफ द गेम्स। और डोमिनोज जैसे आपको पता है एक गेम का नाम है, ये किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं है, एक गेम का नाम भी होता है, तो ये भी सिमिलर में यूज होते हैं। और लास्ट में है नेम ऑफ द बुक्स, नेम ऑफ द बुक्स। अब नेम ऑफ द बुक्स हमारे पास जगह है थोड़ी सी कम है, तो उसको हम एक बार हटा देते हैं। नेम ऑफ द बुक्स को भी हम इसमें शामिल करते हैं, नेम ऑफ द बुक्स। अब ये कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहले है अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, थ्री मस्केटियर्स, टियर्स और द लायंस ऑफ द ईस्ट, द लायंस ऑफ द ईस्ट और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और टेल्स फ्रॉम टैगोर भी होता है, टेल्स मींस इज द सिनोनिम ऑफ पोएम्स। तो ये टाइटल ऑफ द बुक्स हैं, जैसे अरबियन नाइट्स तो ये एक टाइटल है तो सिंगुलर भी अनकाउंटेबल है, वॉर एंड पीस एक टाइटल है उसका, जो थ्री मस्केटियर्स, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। अब इसमें हमें देख लेना है ये सारे के सारे बहुत ज्यादा यूज होने वाले नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं और जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में यूज होते हैं। तो अब किस तरह की मिस्टेक्स एग्जामिनर इनके साथ बनाता है एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। देखो इनमें से कुछ नाउन जैसे वॉर, हेयर, लगेज, बगेज, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, वोकेशन, फर्नीचर, अब्यूज, एडवाइस, इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब पारी होती है, जैसे इंडिया, जैसे हम क्रिकेट मैच में देखते हैं इंडिया की पारी पहले है। न्यूज, ब्रेड आपको पता है, सॉ, मशीनरी, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट और मिस्चीफ। अब इनमें से और भी जो हमने लिखे हुए थे वो भी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ एस या ई एस लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल ऑफ इनिंग्स, तो इसमें एग्जामिनर इनके साथ मिस्टेक कैसे करेगा, जब वो इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करता है तो उस एस या ई एस को हटा देता है। जैसे वो सिर्फ इनिंग लिख सकता है, इनिंग, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाएगा, अनकाउंटेबल है, एस या ई एस को हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इसको देखना है। दूसरा, अगर वो एस या ई एस लगाकर मिस्टेक नहीं करेगा तो दूसरी मिस्टेक क्या होगी। अब जैसे ब्रेड और ये सारे के सारे हैं, इनके साथ एस या ई एस नहीं लिखा हुआ, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल बनाने की कोशिश करता है, यानी उसमें एरर बनाता है। तो जिनके साथ एस या ई एस नहीं लिखा हुआ किसी भी सिचुएशन में लिखा नहीं जाएगा, इसके साथ आ सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा, तो ये सब गलत हो जाएगा।
दूसरा इनके साथ जो लिंकिंग वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। सिंगुलर में भी मैं बता देता हूं, जैसे इस और आर में से इस एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। वॉज और वर में से वॉज एक लिंकिंग वर्ब सिंगुलर हो सकती है या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो सकती है। हैज और हैव इनमें से ये एक सिंगुलर लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो सिंगुलर जिसको मैंने बताया इनके साथ यूज होते हैं। अब मैं कुछ मिस्टेक करके दिखाऊंगा, जैसे वर्क है तो जैसे मैं बोलूं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टुडे, जैसे आगे भी दैट्स व्हाई आई एम वेरी बिजी, तो इसमें आप एरर बताइए तो क्या है कि वर्क्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज एक और भी आपने समझ लेना है इसमें, अब ये सारे नाउन अनकाउंटेबल है तो इनसे ठीक पहले ए एन और वन टू इस तरह की जितनी भी संख्या और मैनी, ए एन वन टू थ्री फोर जितने भी और मैनी, ये वर्ड इनसे ठीक पहले कभी भी नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, जैसे ए और एन सिमिलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। कोई भी नाउन जिसकी कॉन्सोनेंट की साउंड है ए आएगा, ये हम आर्टिकल में भी बात करेंगे। किसी नाउन की साउंड वॉवल से स्टार्ट होती है तो एन आएगा, और जिसको हम संख्या में बताना चाहते हैं तो इनको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो वन टू थ्री, जैसे आई हैव टू पेंस थ्री पेंस तो काउंटेबल है, मैनी बहुत सारे के लिए। तो इनसे ठीक पहले ये आ ही नहीं सकते, ए एन वन टू थ्री मैनी इस तरीके की संख्या, ये भी आपने जान लिया। अगर सिर्फ आपने इतना जान लिया कि इनके साथ बिल्कुल एज इट इज यूज होंगे, SAIS नहीं लग सकता, जिनके साथ लगा हुआ है इनके साथ हट नहीं सकता, इनसे ठीक पहले ये नहीं आ सकते, और जो लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी, तो उसी में आपका बिल्कुल सही तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने वर्ड का एग्जांपल दिया था, बट एक बैंक व्यू में इस तरह का एरर था वो भी आपने देख लेना है। जैसे द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। अब हम ये देख रहे हैं द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, किसी भी राइटर का नाम आ सकता है, कोई भी, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आ सकता है, द वर्क्स ऑफ जॉन किट्स आ सकता है, जॉन मिल्टन मैंने लिखा ही हुआ है, और किसी पॉइंट का नाम भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको वो मिस्टेक में डालते हैं, क्योंकि सर ने बताया था इनके साथ ऐसे नहीं लग सकता, यानी इनको प्लूरल नहीं बना सकते। बट यहाँ पर ये टू द बॉक्स इज द सिनोनिम ऑफ पॉइंट्स, और पॉइंट्स किसने लिखी, जॉन मिल्टन ने लिखी, तो ये पॉइंट्स का सिनोनिम है। इसके साथ जो लिंकिंग वर्ब आई है वो भी प्लूरल है, तो इस तरह की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स कैसे होंगे, तो ये सही सेंटेंस है। ओके, नाउ जैसे हियर है, तो हियर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं ये अगर मैं ये बोलता हूं माय हेयर्स आर ब्लैक, मेरे हेयर्स ब्लैक हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल है तो एस नहीं लगाया जा सकता, और फिर जो लिंकिंग वर्ड है वो भी सिमिलर भी आएगी, मैंने आपको पहले बता दिया था योर हेयर इज वाइट। बट हेयर एक ऐसा नाउन है जिससे पहले आप वन टू थ्री लगा सकते हैं इसको काउंटेबल बनाने के लिए। कैसे, जैसे व्हेन वी आर हैविंग डिनर इन एनी रेस्टोरेंट एंड देयर इज वन हेयर इन माय वेजिटेबल्स, तो मैं क्या बोलूंगा, There is one hair in my vegetables, that's why replace them, इसको replace कीजिए। तो वहाँ पर मैं hair को countable बना रहा हूँ, ये तो आ सकता है। अब जैसे मैं बोलूँ there are two white hair in your head, तो वो ना countable बना रहा हूँ, लेकिन जब पूरे hair की बात करेंगे तो वो hairs कभी नहीं होगा, और सिर्फ
सिंगुलर लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। वैसे ही नेक्स्ट लगेज और बैगेज की बात है, जैसे आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन बिकॉज आई हैव मैनी लगेज। अब आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन बिकॉज मैनी लगेजेस, तो इसमें एरर क्या है, ये इस तरह की बहुत बार आते हैं। तो मैनी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, या ये प्लूरल तो काउंटेबल भी नहीं है और ये भी नहीं आता, लेकिन इसकी जगह पर आप मच लिख सकते हो, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है ज्यादा बताने के लिए। आई हैव मच लगेज, अ लॉट ऑफ भी आ सकता है, तो ये भी हमने समझ लेना है। यहाँ पर बैगेजेस भी आ सकता है, तो बैगेजेस भी पॉसिबल नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम। तो सिंगरी और पोइट्री में बहुत सारे नाउन क्या होते हैं, जैसे सिंग, तो कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनमें बाद में वाई आता है, और इस वाई को हटाकर हम आई ई एस लगाकर उनको हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन इनमें सिंगरी और पोइट्री में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, द सिंगरी ऑफ जॉन किड्स आर जॉन किड्स, नो सॉरी, इसमें तो मैं कश्मीर लिखूंगा, द सिंगरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो सिंगरी है, तो ये सिंगरीज लिखा हुआ है, ये पॉसिबल भी नहीं है, ये सिंगरी आएगा। अब कश्मीर, अब हमारा जो एक सब्जेक्ट है वो सिंगरी है, तो वो एक अनकाउंटेबल है, तो इस आना चाहिए, आर भी नहीं आना चाहिए, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर दो प्लेसेस के नाम लिखा हो, जैसे द सिंगरी ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल, तो भी इस आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कश्मीर और हिमाचल नहीं है, हमारा सब्जेक्ट तो सिंगरी है जो कि अनकाउंटेबल है। इस तरह की कंफ्यूजन एग्जामिनर डालता है एग्जाम के अंदर। वैसे ही जैसे पोएट्री है, तो सेम पोएट्री पॉसिबल नहीं है और सिंगुलर आएगा। इंफॉर्मेशन के साथ देखना है, इंफॉर्मेशन, अब जो इंफॉर्मेशन है, एक चीज तो देखिए कि जो भी नाउन नाउन स्टार्ट फ्रॉम वोवल साउंड वी यूज एंड बिफोर दैट नाउन, तो अगर देखा जाए तो ये वोवल साउंड तो है, तो एग्जामिनर इससे पहले एन लगा सकता है, लेकिन एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल भी तो है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आएगा नहीं, तो ये गलत है। जैसे माय टीचर गेव मी एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनडीए एग्जाम एंड दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी, वो गलत है, एन नहीं आएगा। और या ऐसा मैं इंफॉर्मेशन करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज को समझ लेना है, अगर मैं बोलना ही चाहता हूं कि एक इंफॉर्मेशन दे, अनकाउंटेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं और पीस A piece of information यहाँ पर मैं लिखूंगा, और अगर मैं बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पांच इंफॉर्मेशन दी, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फाइव पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, पीसेस ऑफ को गायब कर देता है और वो फाइव इंफॉर्मेशन लिख देता है, ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, जैसे हम वेकेशन करते हैं, तो वेकेशंस ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। फर्नीचर, फर्नीचर में एग्जामिनर मिस्टेक करता है, फॉर एग्जांपल ऑल द फर्नीचर फर्नीचर्स ऑफ योर हाउस आर वेरी एक्सपेंसिव, तो ऑल द फर्नीचर ऑफ योर हाउस आर वेरी एक्सपेंसिव। अब ये फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है भाई, तो ये फर्नीचर तो पॉसिबल नहीं है, और जब हमारा सब्जेक्ट फर्नीचर फर्नीचर है, तो आर भी पॉसिबल नहीं है, इज आएगा।
अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑल जो है वो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो फिर ऑल में कैसे आया? ये समझ लो, ऑल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी, तो ऑल स्टूडेंट्स के साथ आया जो कि प्लूरल काउंटेबल है। बट मैं बोल दूं, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ बिकॉज ही इज ए बिग बूजर, वो बहुत बड़ा शराबी। तो वेल्थ एक अनकाउंटेबल में है तो और भी आ गया, तो ये आपने समझ लेना है। वैसे ही जैसे अब्यूज, अब्यूज को समझ में है, अब्यूजेस कभी नहीं होगा। जैसे ही गिव्स मी अब्यूजेस इन द क्लास, अब ही गिव्स वो देता है, अब्यूजेस जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैसे लगाता है हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। या एग्जाम्पल क्या लिखेगा, ही गिव्स मी वन अब्यूज। अब ये बताइए, जब ये काउंटेबल ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था एक एन वन टू थ्री मैनी, ये तो आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलना ही चाहता हूं कि इसने मुझे एक गाली दी, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा? तो मैं उसको बोलूंगा वन वर्ड ऑफ एब्यूज। अब ये एक काउंटेबल मैंने बना दिया, वन वर्ड ऑफ एब्यूज, एक गाली। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, वर्ड ऑफ को तो लगाता ही नहीं, वो वन एब्यूज लगा सकता है। और अगर मैं बोलूं उसने मुझे फाइव यानी पांच गालियां दी, फाइव, तो मैं इसको प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, फाइव वर्ड्स ऑफ, और ये सेम एब्यूज लिख दूंगा, तो फाइव वर्ड्स ऑफ एब्यूज। एग्जामिनर वर्ड्स ऑफ लिखता नहीं, फाइव एब्यूज लिख देता है, ये पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है, अगर इसको आपने सिमिलर काउंटेबल नाउन बनाना है, तो मैं बोलूंगा ही गिव्स मी वन वर्ड ऑफ अब्यूज इन द क्लास। और अगर इसको प्लूरल में ही बनाना है, तो मैं बोलूंगा ही गेव मी फाइव वर्ड्स ऑफ अब्यूज इन द क्लास यस्टरडे। ये भी आपने सोच लेना है, समझ रहे। अब जैसे एडवाइस, अब एडवाइस में भी एक होता है ADVISE। हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि एक वर्ब है, ये तो वर्ब की तरह फंक्शन करेगा, लेकिन CE एक नाउन है जो नाउन की तरह फंक्शन करता है। अब वैसे देखा जाए तो ये नाउन भी वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, तो एग्जामिनर इससे पहले N एडवाइस लगा देता है या एडवाइसेस लगा देता है। जैसे माय टीचर गेव मी एडवाइसेस अबाउट माई NDA एग्जाम, दैट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी। एडवाइस इज पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको भी अगर हम, मैं ये बोलना ही चाहता हूं कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो फिर मैं बोलूंगा अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस मैं बोलूंगा। और पांच एडवाइस दी तो फिर फाइव पीसेस ऑफ, इस तरीके से ही हम इसको बोल सकते हैं। नाउ जैसे इनिंग्स, इनिंग्स में से एग्जामिनर क्या करता है, इस एस को ही गायब कर लेता है, जो पॉसिबल नहीं है, इसको भी समझ लेता है। और अगर एस को गायब नहीं करता, तो ये भी वोवल साउंड से स्टार्ट है, तो एन इनिंग्स कर देता है, वो भी नहीं रहेगा। न्यूज कंफाउंडेबल है, ब्रेड को भी देखना है। जैसे आई बॉट मैनी ब्रेड्स फ्रॉम शॉप, तो ये गलत है, मैनी है नहीं आ सकता, और ब्रेड तो आ ही नहीं सकता है, लॉट ऑफ तो आ सकता है क्योंकि अ लॉट ऑफ, अगर आपने अ नहीं लिखना है तो फिर ये आएगा लॉट्स ऑफ। इसकी भी बहुत सारी मिस्टेक एग्जामिनर बना देता है, या तो आप बोलोगे आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ ब्रेड फ्रॉम शॉप, अगर आप अ नहीं लगाते हैं तो फिर आप बोलोगे आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम शॉप। लेकिन वन ब्रेड, टू ब्रेड या ब्रेड्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलना ही चाहता हूं कि मैंने एक ब्रेड खरीदा, यानी इसको मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा अ लॉफ ऑफ ब्रेड। अ लॉफ ऑफ ब्रेड ये सिंगुलर काउंटेबल हो गया,
बट एग्जामिनर तो लॉफ ऑफ को लिखता ही नहीं है, वो सीधा अ ब्रेड या वन ब्रेड लिखता है। और मैं बोलूं मैंने 5 ब्रेड खरीदे तो मैं फिर क्या बोलूंगा, 5 लॉफ्स ऑफ ब्रेड। अब लॉफ्स प्लूरल हो गया, 5 यानी हमने इसको प्लूरल काउंटेबल बना दिया, लेकिन एग्जामिनर लॉफ्स ऑफ भी नहीं लिखता, 5 ब्रेड लिख देता है। ये भी आपने समझ लेना है। इसमें सॉप, जैसे सॉप हम नहाने का साबुन, और ये ध्यान रखना नहाने का साबुन जिसकी हम बात करते हैं एक मटेरियल नाउन होता है, तो सॉप है उसको हम सॉप्स नहीं कर सकते, आई वॉन्ट टू सॉप्स फ्रॉम शॉप या आई वॉन्ट अ सॉप फ्रॉम शॉप पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलना चाहता हूँ मैंने एक साबुन खरीदा तो मैं बोलूंगा अ केक ऑफ सॉप, अ केक ऑफ सॉप मैं लिख दूंगा भाई। और अगर 10 खरीदे तो 10 केक्स ऑफ सॉफ्ट, ये सेम लिखूंगा। लेकिन एग्जामिनर इनको तो केक्स ऑफ या केक ऑफ को लगाता ही नहीं है, बस हो गया 10 सॉफ्ट लिख देता है। ये आपने समझ लेना है। मशीनरी में वाई हटाकर मशीनरीज कर देता है, तो द मशीनरीज ऑफ दिस कंपनी आर न्यू, तो ना तो आर आएगा इस, और मशीनरीज भी नहीं हो सकता। इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स एग्जामिनर लिख देता है, जो पॉसिबल नहीं है, इक्विपमेंट ही रहेगा। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स और जो मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं तो उसमें वहां पर इक्विपमेंट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, पर जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये सिर्फ इक्विपमेंट ही रहता है। कुछ एसएससी के एग्जाम में इक्विपमेंट्स की जगह पर गियर भी आया है, गियर। अब गियर इज द सिनोनिम ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट इसको लगती है, तो इसको भी एग्जामिनर गियर्स कर देता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ मिशीफ, मिशीफ में भी एग्जामिनर क्या मिस्टेक करता है, ऑल द चिल्ड्रन आर डूइंग मिशीफ्स, मिशीफ्स तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिशीफ्स तो इतना अनकाउंटेबल है, तो मिशीफ्स बोल नहीं सकते, मिशीफ ही होगा। लेकिन वन मिशीफ नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये बोलना ही चाहता हूं कि ये लड़का एक शरारत कर रहा है, एक, तो और मिशीफ नहीं हो सकता, तो क्या बोलूंगा, एन एक्ट ऑफ मिशीफ, एन एक्ट ऑफ मिशीफ, ये समझ। अगर 5 शरारतें कर रहा है तो फिर मैं क्या बोलूंगा, 5 एक्ट्स ऑफ, ये सेम आ जाएगा मिशीफ। लेकिन एग्जामिनर एक्स ऑफ लिखता नहीं है तो 5 मिशीफ लिख देता है या मिशीफ लिख देता है। तो इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका, वी हैव डिफरेंट वे टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल, तो ये भी आपने जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बावजूद एक चीज को भी समझ लेना है, फिर मैंने आपको लिखवाया था नेम ऑफ द डिजीज, जैसे एग्जामिनर क्या करता है उन जो डिजीज मैंने आपको लिखवाई है सभी में उनके साथ एस लिखा हुआ है, एस आई एस, जैसे मम्स एक बीमारी है, एक गले का रोग है, मिजल्स एक ये भी एक स्किन की डिजीज है, तो रिकेट्स पैर टेढ़ी हो जाते हैं, बीमारी है रेबीज, सबको पता है कुत्ते के काटने से होता है। और हम बात करते हैं सिंगल्स, ये भी एक स्किन की डिजीज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डू नॉट नो दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज, और इनके साथ एग्जामिनर या तो एस आई एस को हटा देता है या प्लूरल लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब लगा देता है, ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल में देता हूं, द मम इज वेरी फेटल डिजीज for us, जैसे the mom is very fatal disease for us. अब ये possible नहीं है, क्योंकि ये mumps ही रहेगा। और कई बार examiner क्या करता है, mumps लिखकर इसके साथ r लगा देता है, तो ऐसा लगता है पढ़ने में ये student को पता नहीं कितनी बीमारियों के नाम है, तो possible नहीं है। वैसे ही सभी बीमारियों के हिसाब से apply होगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको लिखा name of the games, जैसे dots एक गेम का नाम है, बाउल से गेम का नाम है, डॉट्स एक गेम का नाम है, डोमिनोज भी, तो ये भी आपने समझ लेना है। इनके साथ एग्जामिनर एसएएस को कई बार हटा देता है, जैसे सीधा
ड्रॉट लिख देता है, डी आर ए यू जी एच टी, लेकिन उसमें एस लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बाउल्स में एस लगा हुआ है और डॉट्स में एस लगा हुआ है और डोमिनोज में तो है, तो ये एज इट इज यूज होते हैं। उसके बावजूद नेम ऑफ द बुक्स टाइटल मैंने आपको लिखवाए तो वो भी एज इट इज यूज होते हैं। जैसे हम थ्री मस्केटियर्स की बात करते हैं तो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये बुक का टाइटल है तो उनको लगता है कि थ्री फ्रेंड्स की बात हो रही है तो आर लगेगा, ये पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे सिंगुलर यानी अनकाउंटेबल नाउन थे और सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका भी हमने इनको सीखा है। जैसे वर्क को भी शायद मैंने आपको बताया नहीं, वर्क का भी सिंगुलर अगर बनाते हैं तो अ पीस ऑफ वर्क आ सकता है, अ पीस ऑफ वर्क, अ वर्क तो पॉसिबल नहीं है। और फाइल, जैसे मैं बोलूं फाइल तो पीसीज आ जाएगा, फाइव पीसीज ऑफ, तो ये प्लूरल हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं I have an urgent piece of work, that's why I'm about to go to meet my friend, इस तरीके से बोलते हैं। क्लियर है? ओके। तो ये ऑलमोस्ट हमने देखे हैं जो काफी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इस तरीके से। और एक लास्ट में भी आपने एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, इसमें जैसे मैं बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूँ और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं ऑलमोस्ट उनको देखता हूँ, उनका स्टैंडर्ड क्या है, कुछ स्टैंडर्ड कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। अब जैसे अब्यूज के बारे में मैंने आपको बताया तो कई बार आपने ये देख लेना है अब्यूज जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। तो अभी हमने नाउन की बात की है, वर्ब तो क्या है, जब हम टेंस का टॉपिक करेंगे और एडवांस वर्ब का टॉपिक करेंगे तो उसमें जाएंगे, बट ये एब्यूज वर्ब भी है और वर्ब है तो इसको जब हम ऐसे लिखते हैं कि अब्यूजेस मी इन द क्लास, अब्यूजेस मी इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम शादी तो मना किया था इसके साथ कैसे यस नहीं आएगा, तो इसको लगाया हुआ है। बट एक चीज को समझना है ये यहां पर कैसे वर्ब यूज हुआ है, और जब हम He, she, it के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ SAIS हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्ब है ये, और मैंने जो आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था वो ऐसे नाउन का यूज बताया था, तो जो ऐसे नाउन है अब इसी को अगर हम ऐसे नाउन यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे He gives me abuse in the class। तो अब देखो इसमें वर्ब आ गई गिव के साथ एस लग गया, अब ये अब्यूज, लेकिन इसको अब्यूज से आप कर नहीं सकते, ये भी आपने समझ लेना है। क्लियर है? और भी बहुत सारे नाउन हैं जो सिंगुलर में उनका मतलब कुछ और होता है और प्लूरल में उनका मतलब कुछ और होता है, एक चीज को समझना है। और जब भी आपका नाउन ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करवा दूंगा तो आप 10-15-20 सालों के जो एरर्स रिलेटेड टू नाउन आई हुई हैं उनको आप देखना भी, और जो मैंने आपको लिखवाया है उनके साथ भी देखना। ऑलमोस्ट 95% जो एरर्स हैं आप उनको सोल्व कर पाएंगे और ये इन्हीं के अंडर आएंगे, इनको याद भी आपने रखना है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नाउन जो प्लूरल सेंस में यूज होते हैं तो उनकी फंक्शनल अप्रोच क्या है और उनको सिंगुलर बनाने का तरीका क्या है, तो ऑलमोस्ट ये देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।